अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल की तबीयत बीते मंगलवार शाम को अचानक खराब हो गई थी। उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को यानी कि आज मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि विधायक पल्लवी पटेल की तबीयत स्थिर है, उन्हें प्रारंभिक जांच में सामान्य पाई गई। आपको बता दें कि डॉक्टरों के मुताबिक बेहोश होने के कारण डॉक्टर पल्लवी पटेल को मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया। वहीं एक्सपर्ट मेडिकल टीम की निगरानी में उन्हें रखा गया। फिलहाल उनकी स्थिति नियंत्रण में है। आपको बताते चले कि डॉक्टर पल्लवी को न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर ऋत्विज बिहारी एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी की निगरानी में इलाज हो रहा है। वहीं न्यूरो डिपार्टमेंट के वरिष्ठ चिकित्सक लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि कौशाम्बी जनपद की सिराथू से सपा की लोकप्रिय विधायक पल्लवी पटेल जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ है। भगवान से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हालांकि प्रारंभिक जांच में स्थिति सामान्य पाई गई है, वहीं अस्पताल ने विधायक के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि उनकी हालत ठीक है। पटेल को अभी न्यूरो के आईसीयू में डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा गया। अस्पताल के मुताबिक बुधवार को यानी कि कल उनकी प्रारंभिक जांचें हुई थी, जिसमें सब कुछ सामान्य पाया गया था। बताया जा रहा है कि सपा विधायक अभी न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर ऋत्विज बिहारी एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी की निगरानी